रात समुद्री में बारिश हुई। सुबह के वक्त समुद्री की कई सड़कों और गलियों में बारिश का पानी जमा था। हाउसिंग कॉलोनी नंबर 1 में भी गवर्नमेंट स्कूल के सामने काफ़ी पानी था, जिसकी वजह से आने जाने वालों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद स्कूलों का आज पहला दिन था। स्कूल में बच्चे आ रहे थे और उस पानी की वजह से उनको भी दुश्वारी का सामना था। इतने में मैंने देखा कि स्कूल से एक टीचर तशरीफ़ लाए, उनके हाथ में एक कुदाल थी और उन्होंने उस कुदाल की मदद से पानी की निकासी के लिए काम शुरू कर दिया। एक शख्स शफकत जो कि अपने बच्चों को छोड़ने आया हुआ था, वो भी उनके साथ इस कार्य में शरीक हो गया। तकरीबन 5-10 मिनट बाद पानी की निकासी शुरू हो गई। उसके बाद वो टीचर वापस स्कूल तशरीफ़ ले गए और जाते जाते जो स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड थे उनकी ड्यूटी लगा के कि वो पानी की रवानी को इसी तरह जारी और सारी रखें। तकरीबन आधे घंटे बाद सड़क पर पानी का नामो निशान भी नहीं था। फिर मैंने जानने की कोशिश की कि वो टीचर कौन है, तो पता चला कि उस स्कूल में यानी गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल में वो PST टीचर इफ्तखार साहब हैं और वो सिक्योरिटी गार्ड उनका नाम सफदर है।